आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। रैयत विस्थापित मोर्चा की स्थापना दिवस मनाई गई। खलारी रैयत विस्थापित मोर्चा की 10वां स्थापना दिवस पूर्णाडी परियोजना के समीप जामडीह में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिगम सिंह भोक्ता तथा संचालन रंथू राव ने किया। बैठक में इनके एरिया के विस्थापित रैयतों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज तक खदान तो खुले हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज तक रैयत विस्थापित को नौकरी मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके अलावा विस्थापित रैयतों को आज तक कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मोर्चा विस्थापित रैयतों को एकजुट कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा इनके एरिया में रैयत विस्थापित मोर्चा की कमेटी गठन के लिए संयोजक मंडली का गठन किया गया। आज इनके एरिया क्षेत्र में रैयत विस्थापित मोर्चा का 10वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले यहाँ के रैयत विस्थापित ग्रामीण प्रभावित की समस्या को लेकर रूबरू हुए और साथ ही साथ इनके एरिया में रैयत विस्थापित मोर्चा का जो कमेटी का गठन किया जाना है उसका संयोजक मंडली बन चुकी है और 7 तारीख दिनांक 7/10/2020 को पूरे इनके एरिया के लिए विस्थापित कमेटी का विस्तार किया जाएगा। इनके एरिया के विस्थापित प्रभावित का एक बैठक किया गया है। जो बरसों से जो यहाँ शोषण सीसीएल द्वारा किया जा रहा है जो विस्थापितों को 1972-73 में नेशनलाइज होने के बाद आज तक यहाँ कमेटी गठन नहीं हुआ विस्थापितों का, इसके चलते बहुत सीसीएल शोषण किया है लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब एकजुट होकर पूरे इनके एरिया के विस्थापित प्रभावित आज बैठक किए हैं। आने वाला समय में जल्द ही जो हमारे बड़े भाई बिगन जी ने अभी जो टाइम दिया है उस टाइम 7 तारीख बोले थे ना, 7 तारीख को हम लोग एक केंद्रीय कमेटी के साथ कॉन्टेक्ट करके यार एक बैठक रख रहे हैं, उसमें चुनाव होगा। विस्थापितों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ प्रबंधन सीसीएल प्रबंधन मनमानी करती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज की परिस्थिति में रैयत विस्थापित मोर्चा का सशक्तिकरण अति आवश्यक हो गया है, जिसके चलते आगामी 7 अक्टूबर को रैयत विस्थापित मोर्चा का इनके क्षेत्र का गठन किया जाना है। इसके पूर्व इनके क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण जो यहाँ पर हम लोग के बहुत यहाँ समस्या है, जो कि अभी जिस ढंग से हम लोग के एनके में जो सीसीएल तरह जो हम लोग के बहुत मांग है, बहुत लोग के नौकरी नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है, बहुत ऐसा है कि अभी यहाँ रोड पानी बिजली के बहुत मतलब समस्या है, जो कि हम लोग के यहाँ पर सीसीएल देखा कर रहा है। यही हम लोग एक हम लोग विस्थापित मोर्चा जो बैठक रखे हैं और निर्णय लिए हैं कि आने वाला समय में हम लोग रोड में भी उतरना पड़ेगा अपना हक अधिकार के लिए। और जहाँ तक ले हम लोग के ये भी है कि